बजट में किसको क्या मिला क्या नहीं मिला इसका आकलन आप करते रहिएगा, लेकिन बजट में सांसदों के लिए अच्छे दिनों की घोषणा कर दी गई है। सांसदों का वेतन अब हर 5 साल में अपने आप बढ़ जाया करेगा। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी का फैसला तब किया गया है जबकि देश में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर लगातार घट रही है। मोदी सरकार ने अपने आखिरी पूर्ण बजट में देश के 3 बड़े संवैधानिक पदों के बैठे लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बजट भाषण में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का वेतन बढ़ाने का भी ऐलान किया। नए प्रस्ताव के बाद राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख और राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख रुपए होगा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन में बढ़ोतरी के ऐलान के साथ ही वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सांसदों का वेतन हर 5 साल में बढ़ाने को भी मंजूरी दे दी है। सांसदों का वेतन हर 5 साल में अपने आप बढ़ जाएगा। सांसदों को फिलहाल हर महीने 50,000 रुपए वेतन मिलता है, साथ ही संसदीय काम के लिए उन्हें 2,000 रुपए डेली अलाउंस मिलता है। इसके अलावा हर 45,000 रुपए निर्वाचन क्षेत्र भत्ता और 45,000 रुपए दफ्तर के खर्चे के लिए मिलते हैं। सभी भत्ते लगाकर एक सांसद को हर महीने करीब 1,35,000 रुपए मिलते हैं। सांसदों की सैलरी टैक्स फ्री होती है। पानी, बिजली, फोन, इंटरनेट, फर्नीचर, लॉन्ड्री का खर्च भी सरकार उठाती है। सांसदों को देश में कहीं भी जाने के लिए रेल के फर्स्ट क्लास का टिकट मुफ्त दिया जाता है, साथ ही साल भर में 34 मुफ्त हवाई यात्रा करने का भी उन्हें अधिकार होता है। हालांकि इसके बावजूद सांसद लगातार अपनी तनख्वाह कम होने का रोना रोते रहते हैं और अक्सर ये दुहाई देते हैं कि उनका वेतन सरकारी अफसरों से भी कम है। कैबिनेट सचिव की सैलरी 2.5 लाख रुपए प्रति महीना है और गृह सचिव की सैलरी 2,25,000 रुपए प्रति महीना है, जबकि कोल इंडिया लिमिटेड जैसी PSU में औसतन सैलरी 10 से 12 लाख रुपए।